गंदगी का लगाम बार, स्वच्छ भारत मिशन पर विफल भाजपा सरकार। नमस्कार, मैं सोनिया सैनी और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। भारत गांवों में बसता है और अगर वे ही गंदे रहेंगे तो भारत स्वच्छ कैसे होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की। भले ही सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। कई गांवों में तो आम रास्तों पर इतना जल भराव है कि उन सड़कों से निकलना तो दूर, लोग गंदगी और जल भराव के चलते बीमार हो रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों की जानें भी जा रही हैं। रसूलाबाद विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत निगोहिया गांव के बीच में निकली सड़क पर इतना जल भराव है कि लोग पैदल ना चलकर नाव डालकर भी सड़क पार कर सकते हैं। लंबे अरसे से गांव में सड़क पर भारी जल भराव है। पानी के बीच से गुजरकर दर्जन भर परिवार के लोग अपने गंतव्य स्थानों तक जाते हैं। वहीं जब कोई बीमार होता है तो वह समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाता है। चार पहिया व दो पहिया वाहन ग्रामीणों के घर तक नहीं पहुंच पाते। उक्त संदर्भ में गांव के रहने वाली सुनीता देवी, कमलेश कुमार, कैलाश, अजय पाल, पप्पू, महेंद्र, देवेंद्र और राजेश ने ऑनलाइन शिकायत करके बताया था कि 800 मीटर नाली और इंटरनॉक सड़क का निर्माण हो जाए तो समस्या का निस्तारण हो जाए, जल निकासी की व्यवस्था हो जाएगी और लोगों को आवागमन में भी सुविधा मिलेगी। जिसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने गत 25 मार्च को अपनी आख्या में बताया कि पहले पानी किसी एक प्लांट में जाता था, लेकिन अब उस प्लांट में पानी नहीं जा सकता है, जिसके चलते जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। साथ ही उन्होंने आख्या में बताया कि बिना पुलिस बल के समस्या का निस्तारण किया जाना संभव नहीं है। जिला पंचायत राज अधिकारी की आख्या आने के बाद विकास खंड स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, यानी मामला जस का तस बना हुआ है। वहीं स्थानीय ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। निगोहिया गांव की रहने वाली सुनीता देवी ने बताया कि उनके पति इसी जल भराव और गंदगी के चलते बीमार हो गए थे। जल भराव होने के चलते समय रहते हुए उनको उपचार के लिए नहीं ले जा पाए, जिसके कारण उनके पति की आकस्मिक मौत हो गई। यह सब बताते बताते सुनीता देवी के आंसू फूट पड़े और चीख चीख कर रोने लगी। पानी लोग निकलने नहीं देते हमारे दरवाजे से और 25 लोगों का पानी मेरे दरवाजे भरा हुआ है। क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें होती हैं, जल का पानी जाता है वो लोग निकलने नहीं देते। अस्पताल किया जाते हैं इसी पानी की वजह से, तो अपने पति का नहीं कौन दिखा पाए, इनकी मृत्यु हो गई। कोरोना वायरस जैसी बीमारियों का सामना कर चुके लोगों के सामने अब जल भराव के चलते नई बीमारियों के फैलने का भी अंदेश लग रहा है, क्योंकि एक ही पानी एक ही स्थान पर काफी समय से एकत्र है, जिससे जहां एक ओर विषैले कीड़े पनप रहे हैं वहीं लार्वा बनने से मच्छर भी पनप रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग बीमार हो रहे हैं। आर्थिक तंगी के चलते लोग यह चाहते हैं कि उनके घर पर ही शादी विवाह कार्यक्रम हो जाए, लेकिन जल भराव होने के चलते जहाँ एक ओर शादी विवाह कार्यक्रम संपन्न होना मुश्किल है, वहीं नए रिश्ते लेकर भी लोग गांव नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके चलते ग्रामीणों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ कबीर न्यूज़ पर।